हाँ जी नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं दिनेश कुमार मशीनरी हब से, ये एक हमारे पास सर आए हुए हैं। सर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ये कौन सी इन्होंने मशीन ली है, कैसे हमारी सर्विस है, ये एक बारी सर अपने मुंह से सारा सब बोल के बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं आप सर? मैं जम्मू कश्मीर जम्मू से आया हूँ। ठीक है, तो मैं 15-20 दिन पहले भी आया था, मैंने पूरी दिल्ली घूमा हूँ। ठीक है सर, मैं 5-7 जगह गया हूँ, इनसे अच्छी जगह मुझे कहीं नहीं मिली है। ठीक है, क्या नाम है सर, पहले आप एक बार अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप जी, कुलदीप जी कहाँ से आप? मैं सांबा जम्मू से हूँ। सांबा जम्मू से है। जी जी। तो आपने जो ये मशीन ली है सर, कौन से वाली मशीन है सर, और इसमें आपको क्या क्या काम करने के लिए बोला गया है, कुछ आपको गलत तो नहीं लगा, क्या क्या हमने बोला था, आप एक बार सारी वो बता दो सर स्टार्टिंग से। अच्छा, बहुत अच्छा, इन्होंने मुझे, मैंने इनको बोला था मुझे 3-in-1 चाहिए मशीन। ठीक है सर। तो उन्होंने अच्छी तरीके से मेरे साथ डीलिंग की है, अच्छे तरीके से मुझे समझाया है, और बहुत बढ़िया मशीन है। आपको हमारे व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं लगी, फोन पे कुछ ऐसी बात हुई हो सर, या सामने कुछ अलग बात लगी हो, कुछ ऐसा तो नहीं है सर? कोई बात नहीं, मैं 3 दिन से इनके पास हूँ, उन्होंने अच्छी तरीके से मुझे रखा है अपने पास, और अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने। आपने जो ये मशीन ली है सर, आपको पूरी नॉलेज है इसमें कि आपका क्या क्या काम बनेगा? जी जी जी, इन्होंने मुझे खुद बताया सारा, भाई कैसे कैसे बनाना है, कैसे उनको ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया तरीके से समझाया। ठीक है, मैं आपका एक बार रिपीट कर देता हूँ सर। कुलदीप जी, ये जो मशीन है 3-in-1 मशीन है सर, इस मशीन में आप 3 बिजनेस कर सकते हो, चाहो तो आप 4 बिजनेस 5 बिजनेस भी कर सकते हो, क्योंकि वो अलग अलग सिस्टम से है। पहला जो मेन आपका फोकस है स्लीपर पे है सर। बिल्कुल। स्लीपर के लिए सर ये है कि आपकी स्लीपर की जो, जैसे ये आपकी डाइयां होती है, ये आपकी डाई है, इसमें फिट हो जाती है, फिट होने के बाद अपन इसमें स्लीपर इसमें कटिंग कर सकते हैं। लोग 3-in-1 बोल देते हैं सर, हम जो बोल रहे हैं 3-in-1 में बहुत अलग अलग सिस्टम से हम दे के चलते हैं। अब जैसे सर ये है सर, आपकी मशीन का जैसे ये ग्राइंडर अलग से देते हैं, जो ये ड्रिल मशीन है अलग से देते हैं, जो ये स्ट्रैप टेबल है डबल साइड वाली देते हैं। लोग क्या करते हैं, ये कोम्बो दे देते हैं। कुलदीप जी, कोम्बो आप गए भी हो गए सर, आपने हाँ आपने देखा है, कोम्बो दे देते हैं, इसी में सर उनकी बचत आ जाती है। लेकिन मैं ये सब अलग अलग देता हूँ सर, साथ में 18 डाइयां आपको प्रोवाइड कराई हैं सर, 6 प्रिंटिंग बोर्ड दे रहा हूँ सर, और एक प्रिंट की किट दे रहा हूँ सर, मैं आपको प्रॉपर उसका स्टेपर दे रहा हूँ सर, टोटली आपको ये सेटअप करके दे रहा हूँ मैं। और आपको जो इस मशीन में, जैसे स्क्रबर का आप दूसरा काम कर सकते हैं, स्क्रबर के लिए जो मैं आपको डबल डाई 2 डाई दे के चल रहा हूँ, आपने जो लिए स्क्रबर पे ज्यादा फोकस नहीं था, इसलिए मैंने इसका राउंड सिस्टम लगा दिया है, आपका यहाँ पे राउंड आपका चलेगा। लेकिन आप इसमें सिंगल सिंगल कर सकते हैं, अगर आप बोलते उस हिसाब से, मैं उसी हिसाब से आपसे रेट लेता, और राउंड सिस्टम में आपको जो आपका स्टैंड है वो स्टैंड सिंपल आप घर जाके भी बनवाना चाहो इजिली बनवा सकते हो, लेकिन ये मैंने मेन जो है ये लगा के दे दिया, कल को आपको जरूरत पड़ी आप घर पे ही बनवा के राउंड वाला डबल सिस्टम से भी आप इसमें कर सकते हो। तीसरा सर इसमें पेपर प्लेट, कुलदीप जी, कुल पेपर प्लेट में क्या है कुलदीप जी, कि सिंपल सा हमारा, मैं आपको ये जैसे अभी 7 रोल लगे हुए हैं, आपने आपकी जो हमारी डील हुई है 2 रोल के साथ हुई है, मैं 2 रोल का आपको स्टैंड दूंगा, 2 रोल आप इजीली इसमें चला सकते हो, फ्यूचर में अगर आपको चाहिए 5 चलाने हैं 7 चलाने हैं उसको बढ़ा भी सकते, आप अपने हिसाब से वहां पे बढ़ा लो सर, टेंशन फ्री होके आप इस मशीन में चला सकते हो। जैसे बोला गया था आपकी मोटर दी है सर, मोटर इसमें पेपर खींचने के लगी हुई है, आपके हीटर के कनेक्शन करके दिए हैं सर, अभी जो ये पेपर प्लेट का जो आपने अभी सामने, अगर आप चाहो तो दोबारा भी एक बार चला के दिखा सकता हूँ कि कैसे कैसे इसका कनेक्शन होता है, कैसे क्या है। ये हमारे सर सिंपल 2 कनेक्शन अभी जो पेपर प्लेट मशीन के लिए दिए हैं, ऑटोमेटिक चलानी है तो आप इसमें अपना क्या है सीट एक नीचे लगा सकते हैं, सीट लगाने से क्या पेपर आपका इजिली आता है। ये हमारा मैनुअल सिस्टम से, ऐसे चलाना चाहो आप मैनुअल में भी चला सकते हैं, और ऑटो में भी, दोनों के ऑप्शन हम दे के चलते हैं सर आपको, अगर आपको मैनुअल में चलाना मैनुअल में चलाओ, ऑटो में चलाना ऑटो में चलाओ सर, दोनों ऑप्शन है। तो कहने का मेरा कुलदीप जी, अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज में आप क्लियर कर लीजिए, हमारा काम है सर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना। बाकी मशीनरी है सर 1 ईयर की वारंटी है, कोई मैं 2-5 साल लोगों की तरह नहीं देके चलता सर, मशीनगरी है सर, कल को मशीन में कोई भी दिक्कत आ जाए, इंसान चलते चलते कुछ भी हो जाता, कल को मशीन में कोई दिक्कत आ जाएगी कुलदीप जी मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है मैं आपको हाथ खड़े कर दूंगा सर, 1 साल के बाद भी दिक्कत आ जाएगी, वो सारा चार्जेबल रहता है, 1 साल के अंदर अगर आपका कोई पार्ट डैमेज हो गया, कोई मशीन में दिक्कत आ गई, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करके दूंगा। जो चीज़ आपको पहले बताई थी सर ऑर्डर के टाइम पे, उसमें तो कुछ आपको अलग नहीं लगा कुलदीप जी? बिल्कुल बिल्कुल सेम, जैसे आपने बोला था सारी बातें सेम है। अभी आपको मशीन चला के एक बार और देखनी है सर, अगर आप चाहो तो मैं दिखा देता हूँ। चलो देख लेते हैं। ठीक है, मैं मशीन आपको चला देता हूँ। सौरभ आ जाए एक बार,
आपके सामने एक बारी और मैं करवा देता हूँ रिपीट सर कि कैसे कैसे। इसमें एक बारी कनेक्शन ऑन कर दे, ऑन कर दे वहां से। कुलदीप जी विदाउट ऑयल में मशीन आपको दूंगा, वहां जाके हाइड्रोलिक ऑयल आपको लेना, 68 नंबर आपका डलेगा, 35-40 लीटर का हमारा टैंक होता है, लेकिन 25 से 30 लीटर आप ऑयल डाल के चलो, 68 नंबर डलेगा। सिंपल है सर, कुछ बड़ी बात नहीं है, आपका हाइड्रोलिक जो क्रेन वगैरह होती है सब में उसमें हो जाएगा। अब इसका मैं कैसे आपको मैंने बताया, आप वो करके देख लीजिए। पहले मैं दोबारा आपको रिपीट करा देता हूँ सर, ये हमारे हीटर हैं, ये हमारे तीन हीटर क्यों दिए, ताकि आप स्क्रबर अगर पैक करना चाहो तो उसमें तीन हीटर हमारे होते हैं, तीन मैंने दिए। अभी हमारे सिर्फ दो हीटर चलेंगे, क्योंकि इसमें एक हीटर ऊपर लगा एक हीटर नीचे, तो हमारे पेपर प्लेट के लिए सिर्फ दो हीटर चलते हैं। ये आपने ऑन करना है सर, 80 तक आप इस पे ऑन पे रखो सर इसको, 15-20 मिनट आप इसको दे के चलो सर, 15-20 मिनट में हमारी डाई जब तक हीट हो जाएगी अच्छे से सर। अब मैं इसमें मैनुअल और ऑटो करके दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा क्या है, पहले तो मेन मोटर का सर, हमारी ऑन हो गई सर, ये हमारा ऑटो का सिस्टम है। ऑटो में क्या है, जैसे ही हमारा ये टाइमर होता है सर, टाइमर के हिसाब से हमारी मोटर चलती है। देखिए अब जैसे 6 सेकंड था ऊपर जाने का, हमने 5 सेकंड किया, ये 5 सेकंड तक ऊपर रहेगा सर। जैसे ही हमारा वो ऑटो कट होता है नीचे आएगी, इतनी ही देर तक आपका प्रेशर मशीन दे रखेगा। स्लीपर में सिर्फ हमें ज्यादा प्रेशर की जरूरत है सर, हमें क्या है पेपर में हमें ज्यादा कनेक्शन की जरूरत नहीं है सर, सिंपल सा है। बिल्कुल हैवी आपकी मशीन दी है सर, नीचे भी प्लेट ना आपकी बैंड हो, नीचे भी गाटर लगाए हैं, साइडों में भी आपकी ये प्रॉपर गाटर लगाए हैं सर, जो चीज आपको बोला गया था वो चीज दी हमने अपनी तरफ से पूरा किया सर। ऐसा नहीं है कि कोई मशीन में दिक्कत नहीं आ सकती, चलते चलते कुछ भी हो सकता, लेकिन कुलदीप जी अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होगी हम आपको वो दे के चलेंगे। आपकी लाइट का कनेक्शन हमेशा आपको हैवी रखना है। तो कुलदीप जी आपको ये सब बता दिया, आपको सब कुछ समझ में आ गया, एग्री है हर चीज के लिए, कोई डाउट तो नहीं है किसी चीज के लिए आपका। सिंपल हमेशा एक चीज, प्रेशर मेन चीज है सर हाइड्रोलिक में, प्रेशर अगर आपका ज्यादा हो गया, आपने ज्यादा वहां पे प्रेशर कर दिया सर, कोई भी मशीन को बचा नहीं पाएगा सर, मैं तो क्या कोई भी नहीं, आपकी मशीन टूट जाएगी सर। मशीन टूटने से क्या, ये सिलेंडर, हम जो सिलेंडर देते हैं 50 mm की रोड का सिलेंडर देते हैं, 80 बोर का सिलेंडर सर, प्रेशर जितना ज्यादा पड़ेगा उतना ज्यादा इस पे प्रेशर आते ही आपकी क्या है सर, मशीन ऐसे ऊपर उठेगी सर, जब नीचे इस पे प्रेशर पड़ेगा ऊपर उठेगा। तो इन चीजों का ध्यान देना, अगर कुछ भी चीज समझ में ना आए, कुछ भी गड़बड़ है या कुछ भी है, इजीली सिंपल तरीके से मेरे पास कभी भी कॉल करना, टेंशन फ्री हो कॉल करना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हो सकता है कई बार मीटिंग वगैरह में मैं आपको फोन उठाए बोलता हूँ सर मैं फ्री होते ही कॉल बैक करा, घबराना नहीं है सर, काम स्टार्ट करो, हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं कुलदीप। ठीक है, ठीक है सर, कुलदीप जी, ओके, थैंक यू सर।